بسم الله الرحمن الرحيم. सो लास्ट टॉपिक हमारा है चैप्टर 15 का. तीन इंडस्ट्रीज थी इस चैप्टर में, फर्टिलाइजर्स थी, सीमेंट थी और उसके बाद ये हमारे पास पेपर इंडस्ट्री लास्ट में आते हैं. पेपर इंडस्ट्री में हमारा फर्स्ट एमसीक्यू बनता है ये अर्ली हिस्ट्री के अंदर के पहली लाइन के अंदर. ये आपका ना एक्सरसाइज में एमसीक्यू भी है और पास पेपर में कई दफा एमसीक्यू आया है कि वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रीडी प्लांट पापायरस, के जो रीडी प्लांट पापायरस है उससे इसको जो पेपर है इसका वर्ड पापायरस है ड्राइव किया गया. और पापायरस कहाँ होता है, ये अबंडेंटली अलोंग द मार्शली मार्शी डेल्टा ऑफ द रिवर नाइल इन इजिप्ट अराउंड 3000 BC, यानी 3000 कबल मसीह में हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से पहले, 3000 साल पहले इजिप्ट में दरिया नील जो है उसके किनारे ये पाया जाता था और वहीं से ये पेपर वगैरह बनाया गया. तो उसी के नाम से इसको फिर पेपर को पेपर का नाम देते हैं पापायरस प्लांट के नाम से. ये एमसीक्यू याद रखना है, पापायरस के कौन से प्लांट से ये ड्राइव हुआ ना, तो पापायरस के प्लांट के साथ से इसको ड्राइव किया गया. उसके बाद सेकंड हमारे पास एमसीक्यू बन सकता है कि ये इन्वेंशन सबसे पहले इसको किसने इन्वेंट किया था ना, मॉडर्न पेपर जो वो तो है जो ये है उसकी जहाँ से वो पेपर की स्टार्टिंग मिल रही है. और जो मॉडर्न पेपर है इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं ये सबसे पहले चाइना में 1058 में बनाया था इस साइंटिस्ट ने, ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखें. और उसने कहाँ से बनाया था, ही प्रिपेयर्ड अ शीट ऑफ पेपर यूजिंग द बार्क ऑफ मलबेरी ट्री दैट वाज ट्रीटेड विद लाइम एंड मिक्स्ड विद बैम्बू एंड अदर फाइबर्स टू गेट द पेपर ऑफ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज. उसने मिक्स किया था दो तीन मुख्तलिफ दरख्तों को मिक्स करके फिर उनसे उसने पेपर बनाया था. तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है ये एमसीक्यू हो गया ऊपर हमारे. अब ये पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये डिफाइन पेपर, पेपर की डेफिनेशन लिखे. तो उसमें हम लिखते हैं कि पेपर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज अ शीट मटेरियल मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोसिक फाइबर. शीट मटीरियल मतलब शीट की शक्ल में एक मटेरियल है जो बना हुआ है नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स. प्लांट्स के अंदर आपको पता है वो सेलुलोज वगैरह होते हैं ना, फाइबर्स होते हैं जिससे वो सेलुलोजिक मटेरियल होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, पॉलीमर होता है ग्लूकोज ना बीटा. आपने शायद सुना हो अल्फा ग्लूकोज की दो टाइप्स होते हैं, अल्फा ग्लूकोज होता है बीटा ग्लूकोज होता है. तो इन्यून ये ना आपका ग्लूकोज उसकी ये पॉलीमराइजेशन से बना हुआ होता है सेलुलोज वाला पॉइंट. तो वो जो सेलुलोजिक फाइबर्स आपके पास आते हैं उसमें हमारे पास अच्छा उनको किया क्या होता है, विच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस सस्पेंशन, यानी पहले उनको एक पानी के अंदर सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद फिर उनसे वो शीट्स वगैरह बना दी जाती है जो एक बड़ी स्मूथ सी सरफेस के साथ आपस में जुड़ के बना देते हैं और एक नेटवर्क बन जाता है. लेकिन द प्रोडक्ट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरवाइनिंग फाइबर्स, कि जो इंटरवाइनिंग फाइबर्स आपस में इंटरेक्शन करते हुए जो फाइबर्स हैं जुड़े हुए फाइबर्स हैं उनका एक नेटवर्क होता है ये हमारे पास ना. ठीक हो गई. तो ओवरऑल डेफिनेशन हमारे पास ये बन जाएगी कि शीट मटेरियल मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स व्हिच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस सस्पेंशन
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज द नेटवर्क ऑफ इंटरवाइनिंग फाइबर्स, इंटरवाइनिंग जो फाइबर्स हैं उनका नेटवर्क होता है। तो ये डेफिनेशन का शॉर्ट क्वेश्चन इसका हो सकता है डिफाइंड पेपर। उसके बाद है जी रॉ मटेरियल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू के हवाले से ज़रूर इसमें एक्सरसाइज में भी एक एमसीक्यू बना हुआ है कि इसके मटेरियल दो तरह के ना, एक नॉन वुडी रॉ मटेरियल है यानी जिसमें लकड़ी नहीं है स्ट्रा वगैरह जैसे होते हैं, और दूसरा वुडी रॉ मटेरियल है वुड वाला यानी वुडी रॉ मटेरियल। तीन हमारे पास हैं, पॉपुलर है, इकोलिप्टस है और डोगलस है ना, ये प्लांट्स के नाम है सारे, पॉपुलर है, इकोलिप्टस है और डोगलस है। ये हार्डवुड, पहले दो हार्डवुड होती है इनकी और जो डोगलस फिर है ये सॉफ्ट वुड होती है इसकी। तो एक तो ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है, एमसीक्यू में तो ये सारे, अब ये ना नॉन वुडी रॉ मटेरियल तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, वुडी तीन है सिर्फ वो याद किए जा सकते हैं। तो एमसीक्यू हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुडी रॉ मटेरियल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वुडी रॉ मटेरियल, ठीक होगा, तो उसमें हम फिर वो तीन की बेस पे जज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो तो उसमें आपको तीन 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 वुडी तो तीनों आ गए, और नॉन वुडी में आपको कम अज कम तीन चार जो है ना वो नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये नॉन वुडी रॉ मटेरियल कहलाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आए तो। अच्छा, उसमें नॉन वुडी रॉ मटेरियल हमारे पास वीट सेट्रा, गंदम का जो होता है तना जिसे आप कहते हैं ना, वो जिसके ऊपर गंदम के सिट्टे लगे होते हैं, तो नीचे वो बड़ा बारीक सा जब वो गंदम उतार लेते हैं तो बाद में वो बड़ी नरम सा होता है जिसको वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे पंजाबी में उसको ना पराली बोलते हैं। वीट सेट्रा आ गया, राइस सेट्रा इस तरह चावलों का सेट्रा हो सकता है, और कॉटन स्टॉक है, कॉटन लिंटर है, ये चार बड़े आसान से नाम है पहले ऊपर वाले चारों, तो ये पहला दूसरा छठा सातवां, ये चार आप अच्छी तरह याद करें। उसके अलावा ये कई ग्रास या ग्रासेस भी शामिल है, और बगासी है, बम्बू और रैग, ये प्लांट्स जो इनके भी वो सेट्रा बम्बू समरा होता नहीं, वो जो यूज होता है उसमें रबड़ वगैरह का जो प्लांट होता है ना उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर पेपर, तो उसमें हम लिखेंगे नॉन वुडी रॉ मटेरियल, उसमें ये पहला दूसरा कोई सी चार एग्जांपल दे दे, और सेकंड आप लिखेंगे वुडी रॉ मटेरियल, उसमें तीनों नाम आ जाएंगे। एमसीक्यू के तौर पे आपने ये सारे जहन में रखने हैं कि कौन सा वुडी है कौन सा नॉन वुडी है, इस पर एमसीक्यू पास पेपर में आए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी एक दो एमसीक्यू इस पर हैं। उसके बाद है पल्पिंग प्रोसेस, पल्प का लफ्जी मतलब तो गोदा होता है ना, कि जो वो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर से हम जो मटेरियल हासिल करते हैं फिर उसको एक गोदा बना लेते हैं, एक पेस्ट सा बना लेते हैं उसका, तो उसको पल्प का नाम देते हैं, और उस पल्प बनाने के जो प्रोसेस है उसको हम फिर पल्पिंग प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जो पल्पिंग प्रोसेस हमारे पास है तीन तरह के हो सकते हैं, क्राफ्ट प्रोसेस है जो अल्कलाइन होता है, सल्फाइड प्रोसेस है जो एसिडिक होता है, और न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस है जो न्यूट्रल होता है, जैसे नाम से ही है NSSC भी कहते हैं न्यूट्रल जो है। तो तीन प्रोसेसेस, तीन तरह के पल्पिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं, पेपर बनाने के मेथड हो सकते हैं, एक क्राफ्ट, एक सल्फाइड और एक न्यूट्रल। तीनों का एमसीक्यू में याद है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन तो हो सकता है कि तीन नाम लिख दें तो तीनों के नाम आ गए, साथ ही अल्कलाइन एसिडिक और न्यूट्रल भी आ गया, और एमसीक्यू में आपने पूछ याद रखना कि कौन अल्कलाइन है कौन एसिडिक है कौन न्यूट्रल है। उसके बाद हमारे पास है द न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस जो है, ये डोमिनेंट पोजिशन इसकी है और पाकिस्तान में ज़्यादातर ये यूज होता है। अच्छा, उसमें यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्यों यूज है, बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस इन केमिकल रिकवरी एंड पल्प स्ट्रेंथ, कि केमिकल की रिकवरी और पल्प जो बनता है उसकी मजबूती की वजह से इसकी एडवांटेजेस हैं।
In this section, we will discuss only the neutral sulfide semi-chemical process, which is mostly used in pulp and paper industry in Pakistan. तो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि पल्पिंग प्रोसेसेस कितनी तरह के हैं, जो तीन तरह के हैं, और एमसीक्यू ये है कि एसडी कौन है, अल्कलाइन कौन है और न्यूट्रल कौन है. और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो न्यूट्रल सल्फाइड सेमिकल केमिकल प्रोसेस यूज़ होता है, उसकी वजह बता दें. तो उसमें फिर हम ये लिखते हैं क्योंकि उसके एडवांटेजेस हैं, फ़ायदा है केमिकल रिकवरी में और पल्प जो बनता है, पेपर जो बनता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती में. तो इस वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. उसके बाद है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, जो पाकिस्तान में चूंकि ये यूज़ होता है तो इसी को यहाँ पे डिस्कस किया है उन्होंने. इसकी सारी हेडिंग्स वगैरह और मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है, इसके कितने स्टेप्स हैं, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं. अच्छा, एक तो ये न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस में ये पहली लाइन के एंड पे लिखा हुआ ना कि इट्स यूटिलाइजेस सोडियम सल्फाइड कुकिंग लिक्योर और विच इज़ बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द ऑर्गेनिक एसिड लाइब्रेटेड फ्राम द रॉ मटीरियल. रॉ मटीरियल जो एस्टिक में ऑर्गेनिक एसिड्स निकल रहे होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड का बफर यूज़ करते हैं. तो एक तो ये आपने एम सी क्यू में ये पॉइंट याद रखना है कि सोडियम सल्फाइड कुकिंग लिक्योर यूज़ होता है. कुकिंग से मुराद उसको पकाना ना, पका जो उसका गोदा होता है प्लांट्स का, उसको पकाने के अमल को लिक्योर का नाम दे, कुकिंग का नाम दे रहे. तो ये इसकी बफर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना, तो ऑर्गेनिक एसिड आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है जो रॉ मटेरियल्स के अंदर नेचुरली तौर पे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है. इसके जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उसमें पहला है कटिंग ऑफ द रॉ मटेरियल है, ड्राई क्लीनिंग है, वेट क्लीनिंग है, चौथा स्क्रीनिंग है, पांचवा डाइजेशन, ब्लो टैंक, पल्प वॉशिंग है, ब्लीचिंग है, पेपर मेकिंग मशीन है, स्टॉक प्रेपरेशन प्लांट है. पहली बात करते हैं जी कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल की, यानी जो रॉ मटेरियल आपके पास आया प्लांट्स की शक्ल में या वो स्ट्रा वगैरह जो नॉन वुडी मटेरियल है उसकी शक्ल में, तो हम उनको पहले काट के उसकी कटिंग करके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं पीसीज हैं उनमें बदल देते. सेकंड स्टेप में हमारे पास आता है ड्राई क्लीनिंग, फिर उसमें से ड्राई एयर जो है ना, हॉट एयर, वो पास की जाती है ताकि डस्ट वगैरह जो कुछ भी इस तरह की है उसके अंदर मौजूद वो निकल जाए, अनवांटेड पार्टिकल्स उसमें से निकल जाए और वो साफ हो जाए. ठीक है, तीसरे नंबर पे वेट क्लीनिंग, फिर उसको पानी से वाश किया जाता है अच्छी तरह. पानी से वाश करने का मतलब कि जो डस्ट कुछ ऐसे पार्टिकल जो हवा से नहीं मूव किए लेकिन पानी में सॉल्युबल होने की वजह से आसानी से निकल जाएंगे, तो उनके लिए, उनको रिमूव करने के लिए फिर वेट क्लीनिंग की जाती है. चौथे नंबर पे आता है स्क्रीनिंग. स्क्रीन होता है ना एफसी के मतलब रोकना. ठीक है, तो स्क्रीनिंग का यह मतलब ये कि हम फिर उसमें से, चूंकि वो कटिंग तो हमने की है ना पहले स्टेप के अंदर, उसको काटा था, तब कटिंग में कई पीसेस बड़े रह गए हैं, कई पीसेस छोटे रह गए हैं, तो जो अगला पांचवा स्टेप है ना डाइजेशन, जो आप कह लें कि मेन पार्ट है, मेन स्टेप है, या इस पेपर इंडस्ट्री की जान है, जिसने आपके सामने एक मेन बड़ा जो पेपर बनाने में फंक्शन है वो किरदार अदा करना है डाइजेशन में. तो जो डाइजेशन है, इससे पहले हमें जी डाइजेशन के लिए जो हमने पार्टिकल्स रॉ मटेरियल भेजना है उसके साइजेस क्या होने चाहिए, कितने पीस में होने चाहिए, किस साइज में होने चाहिए, तो वो साइज उसका फिक्स है. अगर उससे बड़े साइजेस हों तो फिर हमें उसको अलग करना पड़ता है स्क्रीनिंग के दौरान और उनको दोबारा वापस जो है वो कटिंग वाले सेक्शन में भेजना पड़ता है. तो अगर ये हो जाए, अगर वो साइज उसका इस तरह ना हो, मतलब वो इतना बड़ा ना हो, तो फिर हम उसको यहीं पर ही आगे अगले स्टेप पे मूव करवा देते हैं. स्क्रीनिंग का शॉर्ट क्वेश्चन आपने ज़रूर करना, ये पास पेपर वगैरह में आया हुआ है.
उसके बाद डाइजेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और पास पेपर में भी है, और बल्कि जो चैप्टर में तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग नहीं बनती, लेकिन जब बने तो फिर इसमें ये डाइजेशन का जो स्टेप है, जब पहले नहीं होती थी पेयरिंग स्कीम वाला सिस्टम नहीं होता था, तो उस वक्त इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता था, तो उसमें डाइजेशन जो है ना इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी रखा गया 3 नंबर का। इस तरह उस वक्त यही नंबरिंग होती थी, 3 नंबर और 2 नंबर, मतलब 4 की फिक्स नहीं था, अब तो 4 की फिक्स होगी ना कि 2 पार्ट होंगे 4 4 नंबर के, तो उसमें फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़े फिक्स होंगे। डाइजेशन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एक वेट साइलो मतलब बर्तन होता है जिसके अंदर हम इस मटेरियल को भेज देते हैं, और मटेरियल डाइजेस्टर जो है जिसके अंदर डाइजेशन हो रही है वो 10 मीटर जो है उसकी वो लेंथ होती है और 2 मीटर उसका डायामीटर होता है, और ये स्टील का और रॉट आयरन का बना हुआ होता है। इट इज़ द मेन यूनिट ऑफ प्रोसेस। ये एमसीक्यू के तौर पर भी याद रखना है कि इस पेपर इंडस्ट्री का ये मेन यूनिट है। डाइजेशन क्या है, प्रोसेस कैन बी आइदर बैच आर कंटिन्यूस। इन आवर कंट्री बैच प्रोसेस इज मोस्टली यूज्ड। बैच और कंटिन्यूस का मतलब ये होता है, कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यूसली चल रहा होता है, बैच जो होता है कि वो कुछ प्रोसेस स्टेप किए फिर पे उसको रोक दिया, यानी और मुख्तलिफ वक्फों से कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर कर रहे हैं, मुख्तलिफ यानी आपने सेक्शन बना लिए, डाइजेशन के भी मुख्तलिफ सेक्शन बनाए हुए, तो उसको फिर नाम देते हैं कि ये बैच की शक्ल में चल रहा होता है। और जो कंटिन्यूस होता है वो मुसलसल एक ही वक्त में और एक ही डायरेक्शन में जा ही रहा होता है। उसके बाद जो डाइजेशन में मेन हमारे पास केमिकल इस्तेमाल होते हैं, इसमें हमारे पास आता है जी तीसरी लाइन में लिखा ना सोडियम सल्फाइड, ये यूज होता है रॉ मटेरियल के तौर पे, और इसकी बफरिंग की जाती है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू मेंटेन इट्स pH 7 to 9। ये एमसीक्यू में भी आपने याद रखना पॉइंट्स ना कि सोडियम सल्फाइड है जिसके साथ बफर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उस बफर की जो पीएच है वो रखी जाती है 7 से 9, यानी वो 7 से 9 पीएच है उसको मेंटेन करता है, इससे आगे पीछे नहीं होने देता। और डाइजेस्टर जो है उसको केयरफुली हम क्लोज करते हैं और उसको रिवॉल्व करते हैं 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से, और इसको टेम्परेचर दिया जाता है 160 से 180 डिग्री सी। द डाइजेस्टर टेक्स 45 मिनट्स टू ओबटेन द डिजायर टेम्परेचर। ये जो डाइजेस्टर है उसको 45 मिनट्स लगते हैं ये 160 से 180 डिग्री सी टेम्परेचर तक पहुंचने में, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ हो जाता है और प्रेशर भी इसका रिलीज हो जाता है। तो मतलब ये एक तो डाइजेशन का शॉर्ट हो तो फिर आपने ये एक्सप्लेन कर देना, उसका ये डायमीटर एक्सप्लेन कर देना लेंथ विड्थ, और उसके बाद फिर उसके अंदर केमिकल कौन से हैं, पीएच कितनी है, टेम्परेचर कितना है, कितनी देर में पहुंचते हैं ये बता देना शॉर्ट हो तो, ठीक हो, और बाकी ज़्यादा सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत फिर लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एमसीक्यू के तौर पे ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपने, कौन सी बेसिस हैं, पीएच कितनी है, कितने रेवोल्यूशन है, क्या टेम्परेचर है, कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने में, ये एमसीक्यू जैसे 45 मिनट का एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा ब्लो टैंक। अब डाइजेशन में हमने कुकिंग की है ना, हीट अप किया है, इतना टेम्परेचर दिया है, जो मटेरियल आपका था पल्प जो ऊपर से आ रहे, यानी वो जो रॉ मटेरियल आपका था वो अब एक पल्प में यानी कन्वर्ट हो चुका है मटेरियल गोदे से में, और उसका अब वो कुक्ड कुकिंग इसकी हमने की है, तो उसको कुक्ड मटेरियल का नाम देते हैं। लेकिन उसमें फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि बाद में कुछ कुक्ड मटेरियल होता है, कुछ अनकुक्ड अभी सही तरह नहीं उसकी डाइजेशन हुई होती, सही तरह नहीं पका होता, फिर उसको हम वापस भेज देते हैं, और जो सही तरह पक गया कुक्ड हो गया उसको फिर अगले स्टेप में भेज दिया जाता है। ये हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, देन पम्प टू अ सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन। सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन जो है उसको यूज़ करते हैं, वो फिर कुक्ड मटेरियल अनकुक्ड मटेरियल को सेपरेट कर देती है।
उसके बाद हमारे पास है सातवां पॉइंट है पल्प वाश। पल्प को वाश किया जाता है। वाशिंग का मकसद ये है कि उसके अंदर से ना इम्प्योरिटीज वगैरह जो है, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वगैरह जैसे होती है, उनको निकाल लिया जाए। क्योंकि वो कई इम्प्योरिटीज, क्योंकि पेपर हमने मोस्टली बनाना होता है वाइट कलरलेस, यानी उसका वाइट पेपर बनाना होता है, तो उसके लिए फिर अगर उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी तो फिर पेपर की वाइटनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पेपर की वाइटनेस को डिस्टर्बिंग से बचाने के लिए या अच्छी वाइटनेस हासिल करने के लिए फिर उसको हम वाशिंग देते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज वगैरह को अलग किया जाता है। इसमें एक तो आपने एमसीक्यू ये याद रखना है कि वॉश थरोली विद वाटर यूजिंग 80 मेश सीव टू रिमूव द ब्लैक लिक्योर दैट वुड कंटेमिनेट द पल्प ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स। यानी 80 मेश सीव यूज करते हैं जो ब्लैक लिक्योर जो जो डिस्टर्ब कर सकता है कलर को, उसको वो आपके मेन जो पल्प है उससे अलग कर लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे 80 मेश सीव से क्या मुराद है? ये ना एक टर्म यूज होती है, सीव का मतलब तो जाली होता है ना, तो 80 मेश सीव ये स्पेसिफिक टर्म है। जैसे ना जाली की मुख्तलिफ ना साइजेस होते हैं, जैसे हम फिल्टर पेपर लेते हैं तो एक वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 10 है, एक वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 है, एक 2 है, एक 41 है, एक 42, इस मुख्तलिफ नंबर्स हैं, उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, उनके पोर्स जो दरमियान में हैं, उनके सुराख हैं, उनमें फ़र्क आता है, मटेरियल कौन कौन से वो कर सकते हैं उसमें फ़र्क आता है। तो इसी तरह ये जो 80 मैश है, 40 मैश है, 60 मैश है, ये साइज बता रहा है कि वो जो जाली है उसके अंदर जो सुराख है उनके साइजेस किस कैटेगरी के हैं। तो 80 मैश सीव एक खास साइज वाली जाली है, 40 मैश सीव बोलेगा तो वो 41 वाली जो है वो एक और खास साइज वाली सुराखों वाली जाली बन जाती है। तो ये उसकी साइजेस को शो करने के लिए आता है 80 मैट सीव जो है। तो ये हमारे पास रिमूव होता है, यूज करते हैं टू रिमूव द ब्लैक लिक्योर। ब्लैक लिक्योर जो उसको हम रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन पहला काम ये किया जाता है, फिर पल्प को अब वाश किया जाता है वाटर के साथ टू रिमूव सलुबल लिग्निन एंड कलर्ड कंपाउंड्स। ये कलर्ड कंपाउंड जो कलर दे रहे होते हैं पल्प के अंदर, या जो लिग्निन है, लिग्निन भी अभी आगे आ जाता है वो क्या चीज़ है। तो जो लिग्निन है जो पानी में सॉल्युबल होके उसको हम निकाल लेते हैं। लिग्निन क्या है? लिग्निन इज एन एरोमेटिक पॉलीमर है। ये एरोमेटिक पॉलीमर है जो क्या करता है, काजेज पेपर टू बिकम ब्रिटल, कागज को कमजोर कर देता है। ब्रिटल हम कहते हैं ना कि अगर हम थोड़ा सा उसको मोड़े, पेपर को मोड़े तो वो टूट जाएगा, इसको ब्रिटल कहते हैं। तो इट इज देन थिकेंड एंड फाइनली स्टोर्ड इन हाई डेंसिटी स्टोरेज टावर। यानी वाशिंग वाले स्टेप में हम सिर्फ ये काम करते हैं, एक तो उसके अंदर से ब्लैक लिक्योर को अलग कर लेते हैं, ठीक होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इसमें वैसे पल्प वाशिंग का शॉर्ट क्वेश्चन इतना अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा जितना ये लिग्निन क्या बनता है, कि लिग्निन है क्या और इसको कैसे रिमूव किया जाता है और इसका नुकसान क्या है ना। तो हम कहते हैं लिग्निन एरोमेटिक पॉलीमर है जो वाटर के साथ, उसको वाटर के साथ वाशिंग करके अलग किया जाता है और ये पेपर को ब्रिटल बना देता है, ये इसका नुकसान है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये एमसीक्यू भी इसका ना उसमें आया हुआ, शायद एक्सरसाइज में या पास पेपर में इसका एमसीक्यू आया हुआ लेग्रेन के ऊपर। तो पल्प वाशिंग में पहले हमने 80 में सीव से गुजारा, ब्लैक लिक्योर को अलग कर लिया, फिर वाटर से हमने वाश किया तो उसमें वाटर कलर देने वाले कंपाउंड और जो लिग्निन है ये दोनों रिमूव हो जाते हैं। लिग्निन क्या है? एरोमेटिक पॉलीमर होता है जो पेपर को ब्रिटल बना देता है। तो वाशिंग हो गई, उसके बाद फिर हमें करनी पड़ती है ब्लीचिंग, के बाद उसके अंदर कलर देने वाले कंपाउंड्स आ रहे होते हैं, कलर फिर भी कुछ ना कुछ जैसे लिग्निन कुछ ना कुछ रह गया जिसकी वजह से कलर आ रहा होता है, तो फिर हम उसको रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट, आपने वो ब्लीचिंग पाउडर भी हमने पढ़ा था ना पीछे उसमें 5वें चैप्टर में, कलरिंग वाले चैप्टर में ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन पढ़ी थी, उसकी कुछ रिएक्शन और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाता है ब्लीचिंग, उसी तरह की वो ब्लीचिंग पाउडर भी यूज हो सकता है, उससे मिलते जुलते और कंपाउंड भी होते हैं जो ब्लीचिंग के लिए काम करते हैं। तो पहला तो पैराग्राफ में उसने मेंशन किया ना कि ये अब आपके पास जो पल्प आया ना आपके पास, ये ब्राउन इन कलर होता है। ये वाशिंग वगैरह करने के बाद जो पल्प आता है ये
ब्राउन इन कलर, और अनसुटेबल फॉर प्रिंटिंग या राइटिंग पेपर के लिए वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें तो ब्राइट वाइट पल्प चाहिए ना। तो ये कलर जो पल्प का आ रहा होता है, ब्राउन कलर जो आ रहा होता है, वो ज़्यादातर होता है ड्यू टू रेजिड्यूअल लिग्निन, जो कुछ लिग्निन बच जाती है, क्योंकि वो एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है, नॉन पोलर, ऊपर से पॉलीमर है, तो पानी से उसकी वाशिंग इतनी आसान नहीं होगी ना, क्योंकि पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत थोड़ी होगी, इस वजह से फिर कुछ ना कुछ बच जाता है, सारे के सारा रिमूव नहीं हो पाता। तो फिर उसको हम डीज पल्प जो होते हैं उनको फिर हम ब्लीचिंग यूनिट की तरफ भेजा जाता है। ब्लीचिंग यूनिट क्या होता है, पाकिस्तान में जो ब्लीचिंग की जाती है वो क्लोरीन के साथ की जाती है, या सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड उसके साथ की जाती है। यानी तीन है, क्लोरीन अलग से ब्लीचिंग एजेंट है, सोडियम हाइपोक्लोराइट अलग से ब्लीचिंग एजेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग से ब्लीचिंग एजेंट है। तो इन तीनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे ब्लीच करने के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे अच्छा है, ब्लीचिंग ऑफ द पेपर से क्या मुराद है, कैसे की जाती है, तो ये भी अच्छा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। पास पेपर में इतना नहीं आया ये नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छा है। अच्छा, ब्लीचिंग ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है कि ब्लीचिंग पाकिस्तान में किन किस से की जाती है, क्लोरीन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। उसके बाद सेकंड, अब हम करते कैसे हैं कि पहले जो आपने वाशिंग कर ली ऊपर वाले स्टेप में, वाशिंग कर रहे हैं, तो फिर जो आपकी जो पल्प है उसको फिर हम भेजते हैं क्लोरीनेटर में, टावर जो है ना, जहाँ पे क्लोरीन गैस 4 से 5 bar प्रेशर के अंडर उस क्लोरीन टैंक से उस पल्प के ऊपर फेंकी जाती है। अब वो जो क्लोरीन है वो फिर अनब्लीच्ड पल्प के साथ रिएक्शन शो करती है एट अबाउट 45 डिग्री सी, और 45 से 60 मिनट्स उसको लगते हैं अच्छा रिजल्ट देने में, यानी सारा उसको ब्लीच करने में। 45 डिग्री सी टेम्परेचर और इतने मिनट्स, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, याद रखना है टेम्परेचर भी और टाइम भी। तो रेजिडुअल क्लोरीन जो है उसको फिर न्यूट्रलाइज करते हैं विद वाटर विच एक्ट एज एन एंटी क्लोर, यानी क्लोरीन को रिमूव करने के लिए काम आ रहा है पानी जो है उसको एंटी क्लोर का फिर नाम दे रहे। तो करेक्ट डोजेज इज इम्पॉर्टेंट एंड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज नीडेड टू अचीव द रिक्वायर्ड ब्राइटनेस। तो हमें क्लोरीन फिर एज एक्सेस में नहीं डालनी पड़ चाहिए, बल्कि उसकी करेक्ट अमाउंट, करेक्ट उसकी सारी ये चीज़ें जहन में रख के फिर उसको हमें फेंकना पड़ता है, भेजना पड़ता है, ताकि वो उसमें अटैच हो, क्लोरीन उसकी ब्लीचिंग कर सके। उसके बाद हमारे पास आता है जी, आफ्टर क्लोरीनेशन पल्प इज वॉश्ड विद हॉट वाटर एट 60 डिग्री सी। क्लोरीनेशन के बाद पल्प जो है उसको फिर वॉश किया जाता है हॉट वाटर के साथ, और 60 डिग्री सी तक जो है ना टेम्परेचर उसका दिया जाता है, और फिर इसको हम स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है पल्प को। पल्प को फिर हॉट एयर अप्लाई करके ड्राई किया जाता है, और ड्राइंग के बाद फिर उसको पेपर बनाने के लिए वो तैयार होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस हेडिंग के नीचे, तो ये बना ब्लीचिंग और पल्प से क्या मुराद, एक्सप्लेन कर दे, उसमें ये सेकंड पैराग्राफ को आपने जरा शॉर्ट करके ये टाइम टेम्परेचर प्रेशर ये सब उसमें आ जाए, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। बाकी ये जो टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये आपने एमसीक्यू में इसको याद रखना। और ये कितने क्लोरीनेटिंग एजेंट को, यानी ब्लीचिंग के तौर पर कौन कौन से एजेंट्स यूज हो सकते हैं, ये एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद है स्टॉक प्रेपरेशन प्लांट, यानी वहाँ से ब्लीचिंग करने के बाद अब हम उसको स्टॉक प्रेपरेशन प्लांट जो है ना वहाँ पे लेके जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन काम किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि स्टॉक प्रेपरेशन प्लांट में तीन जो है ना वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है, थ्री इंपॉर्टेंट स्टेजेस आती हैं, ठीक हो गई। फर्स्ट है, द फर्स्ट इज द डिस्पर्शन ऑफ पल्प एज अ स्लरी इन द वाटर। पहला काम ये करते हैं कि पल्प को पानी के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं और एक पेस्ट सा बन जाता है, सिलरी बन जाती है। सेकेंड काम ये करते हैं, मैकेनिकल रिफाइनिंग और बीटिंग ऑफ फाइबर्स टू डेवलप अप्रोप्रिएट फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फॉर द प्रोडक्ट बीइंग मेड, कि उसकी अच्छी मजबूती हासिल करने के लिए, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी हासिल करने के लिए उसको मैकेनिकल रिफाइनिंग और बीटिंग, उसकी हैमरिंग यानी उसको कूटा जाता है ताकि उसके जो है ना वो स्ट्रेंथ आ जाए, मजबूती आ जाए।
उसके बाद है थर्ड, ये सेकंड काम हो गया। तीसरा काम ये कि इज द एडिशन ऑफ केमिकल एडिटिव्स, उसमें मुख्तलिफ केमिकल एडिटिव्स भी ऐड किए जाते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब बेसिक पेपर का तो यूनिट सेम है ना यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे आके आपने कलर्ड पेपर बनाना है तो फिर कुछ एडिशन कलर के हिसाब से करनी पड़ती है, कि ग्रीन पेपर, ब्लू पेपर वगैरह, इसी तरह थिक पेपर बनाना है, थिन पेपर बनाना है। पेपर जैसे ना कहते हैं ये 80 ग्राम का पेपर है, ये 60 ग्राम का पेपर है, ये 70 ग्राम का पेपर है, तो इस तरह के जो पेपर्स के वेट होते हैं वो फिर यहीं पे सारे डिसाइड किए जाते हैं कि कितने ग्राम का पेपर बनेगा। उसके बाद आता है जी पेपर मेकिंग मशीन हमारी, ये लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट पॉइंट इसमें हेडिंग इसकी पेपर मेकिंग मशीन की आती है। पेपर मेकिंग मशीन में ना, अच्छा मैं ये इसमें काफ़ी सारे उसने इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये आपकी पेपर मेकिंग मशीन है, उसमें ये 7 हिस्से मुख्तलिफ ना, वही वही उसी तरह है ना, फ्लो स्प्रेडर है, हेड बॉक्स है, फोल्डर है, टेबल है, प्रेस सेक्शन है, ड्रायर सेक्शन है, कैलेंडर स्टॉक है, रील है, और ये उसी तरह फ्लो, हेड बॉक्स, फोल्डर, टेबल, प्रेस सेक्शन, ड्रायर सेक्शन, कैलेंडर स्टॉक, रील, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, उधर भी ये आपके 7 वही है, वही देखे मैंने। अच्छा इसी को उसने अपनी वर्डिंग में जरा जुमलों की शक्ल में लिखा हुआ, वो भी पढ़ लेते सकते हैं, और जनरली आप यहीं से भी इसको याद रख सकते हैं ये फिगर अगर आपके जहन में बैठ जाए ना, कि पहला स्टेप है फ्लो स्टेप स्प्रेडर, इसने क्या करना है जो पेपर पल्प है उसको फ्लो कर देना, स्प्रेड कर देना एक तय की शक्ल में। हेड बॉक्स जो है इसकी मदद से हम उसकी थिकनेस को जो है ना, कितना मोटा पेपर आगे जाना चाहिए, पतला पेपर, उसकी थिकनेस को यहाँ से हम हेड बॉक्स से डिफाइन कर लेते हैं। फिर फोर ड्राई नियर टेबल जो है इसके ऊपर से वो का पास होता है, अब ये देखें 85% मॉइस्चर लिखा हुआ है, कि जब हेड बॉक्स से आगे फोर्डर टेबल में ये चीज़ एंटर होती है तो उस वक्त इस पास 85% मॉइस्चर होता है, और जब ये फोर्डर टेबल से पास होने के बाद आगे मूव करती है तो 65% मॉइस्चर रह जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये लिखा होगा मॉइस्चर का ना, नहीं लिखा हुआ, चलो तो मतलब पीछे जितना आपका था वाटर जितना भी था हेड बॉक्स में जब ये पहुंचता है आपके पास पेपर तो 85% मॉइस्चर इसमें होता है। फिर जब ये फोर ड्राई टेबल ड्राइनेरियर टेबल जो है उसके ऊपर से ये भी प्रेस होके ना उसमें से ये वाटर वगैरह उसका निकल जाता है, और जब यहाँ से आगे मूव करता है तो फिर प्रेस सेक्शन में जब पहुंचता है तो इसके पास 65% मॉइस्चर मौजूद होता है। प्रेस सेक्शन उसको प्रेस करके और उसमें से वाटर वगैरह निकाल देता है, ड्रायर सेक्शन उसको और मजीद ड्राई कर देता है, और स्टॉक कैलेंडर जो होता है जिसके ऊपर हम उसको फिर ऊपर ऐसे मूव करवा के फिर उसकी स्टॉकिंग की जाती है ना, और उसमें वो 6 से 8% तक मॉइस्चर हमारे पास आ जाता है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद उसको रोल करके रील्स की शक्ल में हम स्टोर कर लेते हैं। कैलेंडर जो है ना इसका एक तो कैलेंडर नाउन हो तो उसका मतलब वो होगा ना जो दिन महीने साल, एक ये वर्ब है, यहाँ पे कैलेंडर स्टॉक से मुराद ना वो वर्ब, ये द शीट इज कैलेंडर्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ रोल निप्स टू रिड्यूस थिकनेस एंड स्मूथ द सरफेस। तो कैलेंडर यहाँ वर्ब है, वर्ब का मतलब कि किसी चीज को ऐसे हाइट पे ले जाना और हाइट से फिर उसको वापस नीचे रील्स में से पास करके लेके आना, तो उसको बोलते हैं कैलेंडर, ये वर्ब के तौर पर। तो कैलेंडर स्टॉक जो यहाँ पे आपके पास वो जब यहाँ पे आता है रील्स में से पास होगी इसमें से भी मॉइस्चर वगैरह निकल जाता है तो 6 से 8% मॉइस्चर हमारा रह जाता है। फिर उसको हम पेपर जो बना उसको रोल डाउन करके रील में पास का रील्स के ऊपर उसको मूव करवा के उसको रोल आउट करके रख लेते हैं और फिर आगे उसको फर्दर यूज किया जा सकता है। पेपर इंडस्ट्री लास्ट जो आपकी हेडिंग है इसके अंदर हमारे पास एमसीक्यू, दो एमसीक्यू सिर्फ बनते हैं जी, ये सेकंड पैराग्राफ की दूसरी, पेपर कंजप्शन इन पाकिस्तान इज अराउंड 5 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर, ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है, एक साल में एक बंदा 5 किलोग्राम जो है वो पेपर इस्तेमाल कर जाता है। उसके बाद ये एवरेज होती है ना, अब इसमें ये पूरी आबादी के हिसाब से निकाली होती है, अब इसमें तो कई बंदे आबादी में बंदे ऐसे जो यूज़ ही नहीं करते। अच्छा उसके बाद है जी लास्ट वाला कि एट प्रेजेंट देर आर मोर देन 30 पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट एज वेल एज इन पब्लिक सेक्टर, यानी 30 हैं आपके पास जो है इस वक्त
पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज, ये एमसीक्यू में आपके पास आ जाते हैं। इसके अंदर आपके एमसीक्यूज देख लेते हैं जी, ये विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प, के लिए कौन सा वुडी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो ये पॉपुलर इसमें था वुडी रॉ मटेरियल में, बाकी आपके नॉन वुडी रॉ मटेरियल आता है। द वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ विच रीडी प्लांट, तो ये पापायरस जो है वो प्लांट आपका आ जाता है। उसके बाद ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल पेपर इंडस्ट्री के लिए कौन से, वुडी और नॉन वुडी दोनों आ गए। फिर उसके बाद ये भी एक्सरसाइज में, विच डिफरेंट पल्पिंग मेथड्स यूज्ड एंड विच इज प्रीफर्ड, कौन से यूज होते हैं और कौन सा प्रेफरेंस दिया जाता है, और उसकी रीजन भी लिख दिए कि उसकी वजह क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज का सवाल है। राइट द डिफरेंट ब्लीचिंग एजेंट यूज फॉर पेपर फॉर्मेशन, ये एक्सरसाइज का सवाल आ गया, जरूर करें। प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग इन पेपर इंडस्ट्री, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। ब्लीचिंग ऑफ द पल्प इज डन बाय कलोरीन, कैसे करते हैं वो सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ था इन्होंने। इसी तरह थ्री इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो स्टॉक प्रेपरेशन प्लांट में कौन कौन से हैं, ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, जरूर करें। प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ये एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है। डिस्कस द डाइजेशन प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, सारे उसमें हेडिंग्स वगैरह दी हुई हैं। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको करें। ये फ्लोशी डायग्राम इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकती है। अच्छा, अब इसमें अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप देखें ना इसकी एक्सरसाइज देखें, बस ये लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं इतने मिलेंगे ना, देखें ना ये शॉर्ट क्वेश्चन बस ये पांच में, ये कुछ फर्टिलाइजर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर थे कुछ, ये आपके उसके ऊपर सीमेंट के ऊपर हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन, और ये पेपर के ऊपर थे, लेकिन ये अमूमन ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में दिए ना, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे होता है ना वो वैसे नहीं है, ठीक हो। तो इसलिए वो आपने जो इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट जैसे बताए हैं, जो पास पेपर वगैरह में आते रहे और आए, तो उस हवाले से आप इसको ज़रा जो है ना अच्छी तरह तैयार कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं ज़रूर ये सारे, इसी को शॉर्ट बना के मैंने आपके वो नोट्स में भी लिख दिए, लेकिन फिर भी बाकी जो है उनको भी ज़रा अच्छी तरह देख लें, जो पास पेपर में के हवाले से इम्पोर्टेंट सवाल है।